वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, एस्को माई सिटीज़, और एक रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट किया था, वो क्या था, यूनिसेलर फॉर्म होती है, वो क्या थी, ईस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट का हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, प्लस ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है ईस्ट के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ईस्ट के अंदर कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, और अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जब उनको लग जाता है कि अब हम मरने वाले हैं, अब हमारा सर्वाइवल नहीं है, तब वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज जो ग्रुप है उसके अंदर सेक्सुअल स्पोर क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं कि नॉर्मल जो इनकी सोमेटिक सेल्स होती है, या फिर बोल सकते हैं जो एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, वही क्या करते हैं, एक तरह से गैमेटेंजिया का काम करते हैं, ठीक है। इनमें अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती, क्यों, क्योंकि एक सिंगल फॉर्म है, एक यूनिसेलुलर फॉर्म होता है ईस्ट, तो इसके अंदर और कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स होते नहीं है, वेल डेवलप नहीं होता, तो ये इनकी जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स है या एस्कोस्पोर्स ही एक तरह से गैमेटेंजिया का काम करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जायगोट जो है वो बाद में उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है और वो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो सुटेबल कंडीशन देके या फेवरेबल कंडीशन जब आती है तब जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, और एक नई सेल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है, फूड सप्लाई जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाती है, ओके। सिंगल सेल फॉर्म है या कह सकते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म है, तो क्या होता है, सेक्स ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ईस्ट के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स क्या बनते हैं, एस्को स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स क्या बन रहे हैं, एस्को स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ईस्ट की अलग अलग स्पीसीज जो है वो अलग अलग तरीके के लाइफ साइकिल शो करती है, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं, थ्री टाइप्स के लाइफ साइकिल होते हैं जो ईस्ट की अलग अलग स्पीसीज के अंदर होते हैं, अब हम पढ़ते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो तीन तरह का लाइफ साइकिल होता है, फर्स्ट होता है हमारे पास में हैप्लोबायंटिक, सेकंड होता है डिप्लोबायंटिक, और थर्ड होता है हमारे पास में हैप्लो डिप्लोबायंटिक, ठीक है। किस किस के अंदर होता है, हैप्लोबायंटिक जो लाइफ साइकिल है वो किसके अंदर मिलता है, सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डिप्लोबायंटिक किसके अंदर मिलता है, सैक्रोमाइसिस लुडविगी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हैप्लो डिप्लोबायंटिक किसके अंदर मिलता है हमें, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग कि हैप्लोबायंटिक क्या होता है, डिप्लोबायंटिक क्या होता है, और हैप्लो डिप्लोबायंटिक लाइफ साइकिल पैटर्न क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या लाइफ साइकिल का पैटर्न क्या आता है, सबसे पहले हैप्लोबायंटिक टाइप का क्या होता है, हैप्लोबायंटिक के अंदर जो सिंपल ए सेक्सुअल मेथड से जो सोमेटिक सेल्स बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि यहाँ पे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, फिशन ही कर रहे हैं। फिशन के अंदर क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल होती है, ट्रांजवर्स सेप्टम बनते हैं, स्प्लिट होती है, ठीक है। स्प्लिट होने से क्या होती है, वो दो सोमेटिक सेल्स के अंदर या दो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यानी ए सेक्सुअली मेथड से क्या हुआ है, हमारे पास में दो सोमेटिक सेल मिलती है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो दो तरह की फेजेस आती है, एक होता है हमारे पास हैप्लॉइड फेज आती है, एक आती है डिप्लॉइड फेज, ठीक है। तो हैप्लोबायोटिक टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड फेज जो है वो बहुत बड़ी होती है, या कह सकते हैं इलोंगेटेड फेज है एज कम्पेयर टू डिप्लॉयड फेज के, ठीक है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, हैप्लोबायोटिक नाम दिया गया है, ठीक है। कि ये जो दो सोमेटिक सेल्स बनी है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो एस्कोस्पोर्स जो है वो क्या करते हैं, पोटेंशियल गैमेटेंजिया की तरह एक्ट करते हैं। पोटेंशियल गैमेटेंजिया का मतलब होता है कि ऐसी सोमेटिक सेल्स जिसके अंदर कॉपुलेशन की कैपेबिलिटी हो, ठीक है, इस तरह की जो गैमेटेंजिया होते हैं उनको बोलते हैं हम पोटेंशियल गैमेटेंजिया, ओके। तो दो सोमेटिक सेल्स जब आपस मिलती हैं तब क्या होता है, दो सोमेटिक सेल्स किस तरह से एक्ट कर रही है, एक पोटेंशियल गैमेटेंजिया की फॉर्म में एक्ट करती है, ठीक है। तो ये दो सोमेटिक सेल्स हैं जो क्या बना रही है, गैमेटेंजिया। जब ये दोनों गैमेटेंजिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है, किस तरह से कॉन्टैक्ट में आती है, कि इनके एक पोर्शन से एक तरह से बड बाहर निकलती है, एक बड बनती है। ये दोनों जो बड के थ्रू एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, ठीक है। कॉपुलेशन का मेथड होता है, कॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो ये सेप्टम है, या फिर बोल सकते हैं इन दोनों की जो वॉल है, ये वॉल डिसॉल्व होने शुरू होती है। जब ये वॉल डिसॉल्व हो जाती है तो एक नैरो पैसेज बन जाता है, ठीक है। इस तरह का नैरो पैसेज बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। तो दो गैमेटेंजिया के बीच की वॉल डिसॉल्व होने से एक ट्यूब बनती है जिसको नाम दिया गया है कॉन्जुगेशन ट्यूब। जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है तब इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, दोनों
जो गैमेटेंजिया के न्यूक्लियस होते हैं वो एक ही इस ट्यूब के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, यानी दोनों जो गैमेटेंजिया है सबसे पहले उनके साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद क्या होती है, प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होती है, कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी का मतलब यानी इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन होता है। जब दोनों की गैमेटेंजिया के न्यूक्लियस के अंदर फ्यूजन होता है तो किस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, डिप्लॉयड फेज बनती है। तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये डिप्लॉयड जायगोट न्यूक्लियस है, और जो डिप्लॉयड सेल बनती है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह से जायगोट का काम करती है, ठीक है। कैरियोगैमी के बाद इमीडिएटली क्या होता है, इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जितने हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनते हैं, 8 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनते हैं, और ये जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, और एस्कोस्पोर्स किसके अंदर होते हैं, एस्कस के अंदर होते हैं। एस्कस क्या है, जो जायगोटिक सेल होती है वही एक तरह से एस्कस का काम करती है, और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स जो है वो अपने आप को लीनियर फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है इस एस्कस की वॉल जो है वो रप्चर होती है, और ये एस्कोस्पोर जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और फिर से ये साइकिल शुरू करते हैं। अब इस तरह का जो साइकिल होता है जिसके अंदर हैप्लॉइड फेज जो है लंबी होती है एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड फेज की, हैप्लोबायंटिक की कहानी को मैं और सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ, ठीक है। जो हम लोगों ने डायग्राम समझा है वो क्लियर कट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हैप्लोबायंटिक जो लाइफ साइकिल है इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस से शुरू होती है, ठीक है। ऑक्टोस्पोरस क्या है, ये भाई हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लोबायंटिक फेज मैंने आपको बता ही दिया कि हैप्लॉइड फेज जो होती है वो एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड फेज के ज़्यादा लंबी होती है, ओके। हैप्लॉइड्स में फिशन हो रहा है, नॉर्मल जो सेल है उसके जो एसेक्सुअली किस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है, फिशन के थ्रू होता है, ठीक है। फिशन से बन रहा है यानी सेल क्या होगा, स्प्लिट होगी, एक सेल से दो सेल बनती है। नॉर्मल यानी हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल से जो स्प्लिट होगी वो सेल भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है। तो इस तरह जो यह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो वो किसके थ्रू होता है, फिशन के थ्रू। लेकिन सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वो किस तरह से होगा, सैक्रोमाइसिस जो ऑक्टोस्पोरस है उसकी जो सोमेटिक सेल्स होती है, यानी सोमेटिक सेल्स वो कैसी हुई, हैप्लॉइड हुई। तो हैप्लॉइड सेल्स जो होती है यानी सोमेटिक सेल जो होती हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं, एज ए गैमेटेंजिया एक्ट करती है, ठीक है। गैमेटेंजिया की तरह एक्ट कर रही है तो क्या होगा, आपस में फ्यूज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूज होंगी, उनके अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन हो रहा है, कॉपुलेशन से क्या होता है, फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है, उसके बाद क्या बनता है हमारे पास में, एक डिप्लॉयड सेल बनती है। डिप्लॉयड सेल क्या होती है, जायगोट होता है, ठीक है। कॉपुलेशन के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड सेल हो रही है, डिप्लॉयड सेल के बाद क्या होगा, मियोसिस होता है, यानी मियोसिस कैसा है, रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन से क्या होती है, हैप्लॉइड सेल्स बनती है। हैप्लॉइड सेल्स यानी एस्कस के अंदर कितने स्पोर्स बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ओके। एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड एस्कोस्पोर जो है ये फिर से ये लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। हैप्लोबायंटिक जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर हैप्लॉइड फेज जो है वो प्रिटी लॉन्ग होती है। किस तरह से होती है कि ये एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, ये हैप्लॉइड, जब ये सेल के अंदर कन्वर्ट हुआ, पूरी ईस्ट सेल जो डेवलप हुई वो क्या हुई, हैप्लॉइड। उसके अंदर जो बनने वाली सेल्स है वो कैसी हुई, हैप्लॉइड, सोमेटिक सेल्स ही बनी हैप्लॉइड। इसके लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड फेज जो है वो ज्यादा लंबी है। डिप्लॉइड फेज क्या है, डिप्लॉइड फेज हुई सिर्फ जायगोट के अंदर, यानी हैप्लोबायोटिक टाइप का जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर हैप्लॉइड फेज जो है वो ज्यादा लंबी होती है। इसीलिए ऐसा लाइफ साइकिल क्या कहलाता है, हैप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल कहलाता है। किसके अंदर होता है, सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस के अंदर होता है। डिप्लॉइड फेज क्या कहलाती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जायगोट है। जायगोट जैसे ही बनता है तो इमीडिएटली क्या हो जाता है, इसके अंदर मियोसिस हो जाता है। तो डिप्लॉयड फेज भी ज्यादा लंबी नहीं रहती, इसमें इमीडिएट क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन से एस्कोस्पोर्स बनते हैं, और वो एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे पास में हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ये डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल किस तरह से स्टार्ट होता है, डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल है जिसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है।
होता है। मियोसिस होने से क्या होता है, आपके पास में चार हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, यानी कितने एस्कोस्पोर्स कितने बन रहे हैं, 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि ये एस्कस से रिलीज नहीं होते, ये एस्कस के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। जब ये एस्कस के अंदर रह रहे हैं तो ये चारों एस्कोस्पोर्स जो हैं वो पोटेंशियल गैमेटेंडिया की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि ये A1 जो है वो A2 से फ्यूज़ होगा, ये वाला A1 जो है वो इस A2 से फ्यूज़ होता है, यानी आपस में अलग अलग जो एस्कोस्पोर्स है वो आपस में ही फ्यूज़ होते हैं। एस्कस के अंदर ही फ्यूज़न हो रहा है तो ये इस तरह की इनके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बनती है। दोनों गैमेटेंडिया जो है आपस में क्लोज आते हैं, वही प्रोसीजर होता है जैसे सेम हैप्लोबायंटिक के अंदर कि उसके अंदर बर्ड आती है, दोनों एस्कोस्पोर्स में जो गैमेटेंडिया है वो गैमेटेंडिया आपस में क्लोज आती है, क्लोज आने से उनमें फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होता है यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, ठीक है। ट्यूब बनने से क्या होता है कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में पास आ जाते हैं, इनके ये दोनों जो एस्कोस्पोर्स के न्यूक्लियस थे वो आपस में पास आ जाते हैं, ठीक है। इनके पास आने से क्या होता है कि कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी के बाद क्या होता है कि ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गए। ये सारा प्रोसीजर जो हो रहा है वो एस्कस के अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं निकला है, ठीक है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जर्म ट्यूब बनती है, ठीक है। जब जर्म ट्यूब बनती है तो ये क्या करती है, एस्कस की जो वॉल है उसको पुश करती है, यानी वो बाहर आती है। एस्कस की वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है, उसकी जर्म ट्यूब बनने से रप्चर हो जाती है और जो जर्म ट्यूब होती है वो बाहर आ जाती है, एस्कस वॉल से बाहर आ जाती है, ठीक है। इस तरह से जर्म ट्यूब का प्रोडक्शन होता है। ये जो जर्म ट्यूब होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, मल्टी सेलुलर बन जाती है। मल्टी सेलुलर फॉर्म क्या कहलाता है, स्प्राउट माइसीलियम कहलाता है, ठीक है। स्प्राउट माइसीलियम भी कैसा है, डिप्लॉयड है। अब इस डिप्लॉयड जो स्प्राउट माइसीलियम से भी क्या होता है, एक इस तरह से एक बड बनती है। ये जो बड होती है ये भी कैसी होती है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड माइसीलियम से बना है तो उससे बनने वाली जितनी भी सेल्स होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। तो ये बड भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ये बड मैच्योर जाती है तो इसकी जो स्प्राउट माइसीलियम से ये डिटैच हो जाती है और फिर से ये डिप्लॉयड सेल जो है ये फिर से यही लाइफ साइकिल शुरू करती है। यानी डिप्लोबायोटिक जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर हैप्लॉयड फेज जो होती है वो डिप्लॉयड फेज से बहुत छोटी होती है, डिप्लॉयड फेज जो है वो इलोंगेटेड होती है एज कंपेयर टू हैप्लॉयड फेज के। और हैप्लॉयड फेज जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, वो कब होती है, जब डिप्लॉयड सेल्स के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस से एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये तो था हमारा डिप्लोबायोटिक। डिप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल किसके अंदर मिलता है, सैक्रोमाइसिस लुडविगी में मिलता है। अब डिप्लोबायोटिक को भी हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझे कि ये जो तामझाम हमने लगाया है कि ये डायग्राम ऐसा है ये ऐसा है, इसके बिना यदि हम फ्लो चार्ट से समझे जैसे हमने हैप्लोबायोटिक को समझा है, ठीक है, आपको पूरी कहानी क्लियर कट हो जाएगी कि किस तरह से डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कैसे समझ सकते हैं कि सैक्रोमाइसिस लुडविगी है, ठीक है, जो डिप्लॉयड सेल है, यानी कैसा है, डिप्लॉयड है, ओके। हम काउंट करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी स्टेज आ रही है। मैंने आपको क्यों कहा है कि डिप्लोमैटिक जो है उसमें डिप्लॉयड फेज जो है वो एज कम्पेयर टू हैप्लॉयड फेज से ज़्यादा एलोंगेटेड होती है, तो हम काउंट करते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। सैक्रोमाइसिस लुडविगी की जो सेल है वो कैसी है, डिप्लॉयड है, 2x है, ठीक है। 2x के अंदर या डिप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। मियोसिस होने से क्या होता है, जो डिप्लॉयड सेल्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह से होती है हैप्लॉयड सेल के अंदर, कि एस्कस विथ 4 एस्कोस्पोर्स, यानी जो ये डिप्लॉयड सेल था इसके अंदर क्या हुआ, एस्कोस्पोर्स बने। एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो ये जो फेज है ये क्या है, ये सिंगल फेज है जो हैप्लॉयड फेज है। जो सैक्रोमाइसिस लुडविगी के लाइफ साइकिल में एस्कोस्पोर ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर ये हैप्लॉयड कंडीशन के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूजन ऑफ 2 एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर जो है वो फ्यूज होते हैं एज ए गैमेटेंजिया एक्ट करते हैं। उनके फ्यूजन से क्या होता है, जब फ्यूज हो जाती है तो फिर से कौन सी स्टेज आ जाती है, डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है, डिप्लॉयड सेल बन जाती है, ठीक है। सो डिप्लॉयड सेल बन गई फिर से 2x। अब ये डिप्लॉयड सेल जो है इससे क्या होता है कि जब ये धीरे धीरे ग्रोथ करती है, क्या होता है, स्प्राउट माइसीलियम बनता है। एक डिप्लॉयड सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, यानी डिप्लॉयड सेल कैसी हो रही है, डिप्लॉयड सेल ही रह रही है। तो डिप्लॉयड सेल से क्या बनेगा, स्प्राउट माइसीलियम बनता है। स्प्राउट माइसीलियम भी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अब इस डिप्लॉयड माइसीलियम के ऊपर ही बड बनती है, वो बड भी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। और जो स्प्राउट माइसीलियम जो है उससे बड जो है वो डिटैच होती है और फिर से एक
नई सेल बनाती है। तो जो नई सेल बनी वो भी कैसी हो गई, डिप्लॉयड हो गई। तो हैप्लॉयड सेल्स कहाँ मिली, हैप्लॉयड कंडीशन कहाँ मिली, कहाँ मिली है फेज, सिर्फ एस्कोस्पोर में। इसीलिए डिप्लोबायंटिक के अंदर डिप्लॉयड फेज एज कंपेयर टू इलोंगेटेड होती है। इसीलिए इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या कहलाता है, डिप्लोबायंटिक टाइप का लाइफ साइकिल कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड लाइफ साइकिल की तरफ जो है हैप्लो डिप्लोबायोटिक। ओके, अब हम पढ़ते हैं हैप्लो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल किसके अंदर होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी में। हैप्लो डिप्लोबायोटिक नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हैप्लॉयड फेज भी है, डिप्लॉयड फेज भी है। यानी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज जो है वो दोनों ही लॉन्ग ड्यूरेशन शो करती है। ठीक है, किस तरह से करती है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो इसकी कहानी जो है वो शुरू होती है, वो नेचुरल सी बात है, सेक्सुअल स्पोर्स से शुरू होती है। सेक्सुअल स्पोर्स क्या है, एस्कोस्पोर्स है। इसकी जो एस्कस होती है उसके अंदर कितने एस्कोस्पोर्स बनते हैं, 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो 1-2 आर वन मैटिंग टाइप एंड रेस्ट ऑफ 2 आर डिफरेंट मैटिंग टाइप। ठीक है, नॉर्मली ये किस तरह से मल्टीप्लाई होती है, तो ये जो हैप्लॉयड सेल्स हैं यानी डिफरेंट मैटिंग टाइप्स की जो हैप्लॉयड सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई बडिंग के थ्रू होती है। द हैप्लॉयड सेल्स ऑफ डिफरेंट मैटिंग टाइप्स मल्टीप्लाई बाय बडिंग। ठीक है, ये सेल्स कौन सी होती है, हैप्लॉयड सेल्स होती है। ये हैप्लॉयड सेल्स जो है वो नॉर्मली किस तरह आगे मल्टीप्लाई होती है, बडिंग के थ्रू मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, बडिंग के थ्रू मल्टीप्लाई बन रही, तो इनसे जो सेल्स बनेगी वो भी कैसी होती है, हैप्लॉयड सेल्स बनती है। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन भी आती है, डिफरेंट मैटिंग टाइप्स ऑफ सोमेटिक सेल्स एक्ट एज ए गैमेटेंजिया। ठीक है, यानी जब आपके पास में एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं वो रिलीज होते हैं, उनसे बडिंग हो रही है। आगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बडिंग होती है, बडिंग से जो रिलीज हो रही है सेल्स वो कैसी हो रही, हैप्लॉयड सोमेटिक सेल्स है। तो हैप्लॉयड सोमेटिक सेल्स कभी कभी क्या करती है, एज ए गैमेटेंजिया भी एक्ट करती है। जनरल नहीं करती, नॉर्मली नहीं होता, लेकिन किसी एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर सोमेटिक सेल्स भी क्या करती है, एज ए गैमेटेंजिया एक्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास में दोनों हैप्लॉयड सेल्स आ गई। अब हैप्लॉयड सेल्स के आगे किस तरह से कहानी शुरू होती है, कि ये जो हैप्लॉयड सेल्स है वो क्या करती है, एज ए गैमेटेंजिया काम कर रही है। तो दो अलग मैटिंग टाइप की है, दो अलग मैटिंग टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो सोमेटिक सेल्स है वो एक जैसी मैटिंग टाइप की नहीं है, फ्यूजन किसके अंदर होगा, दो अलग अलग मैटिंग टाइप की सेल्स के अंदर ही फ्यूजन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन होती है। ओके, सो ये दो जो है डिफरेंट मैटिंग टाइप्स की, और ये जो सेकंड है या कह सकते हैं दो और जो है वो अलग मैटिंग टाइप्स की। यहाँ पे भी दो अलग अलग मैटिंग टाइप्स के हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होती है, फ्यूजन को क्या कहेंगे हम, कॉपुलेशन होता है। ठीक है, दोनों सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज होती है, उनके फ्यूजन से क्या होगा कि ये सेल्स, इनकी जो बीच की वॉल होगी वो क्या होगी, डिजॉल्व होगी। डिजॉल्व होगी तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो दोनों गैमेटेंजिया के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होंगे, एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब वो सेल के अंदर आते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होती है। तो प्लाज्मोगैमी का मतलब वही साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होगी। साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होने के बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या होता है, कैरियोगैमी होती है। और कैरियोगैमी के थ्रू क्या होता है कि दोनों जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और उनके फ्यूजन से क्या बनता है, डिप्लॉयड सेल बनती है। ये जो डिप्लॉयड सेल है ये क्या कहलाती है, जायगोट कहलाती है। जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड कब बनेगा, जब साइटोप्लाज्म और दोनों गैमेटेंजिया के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड सेल बन गया। अब वो डिप्लॉयड सेल आगे जो प्रोसीजर है वो तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन किसके थ्रू कर रहे हैं, ये बडिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो इस डिप्लॉयड सेल के अंदर बडिंग होगी, इस बडिंग से क्या होगी, नई डिप्लॉयड सेल्स बनेगी। ठीक है, तो आपके पास में अब बडिंग के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स में आपको डिप्लॉयड सेल्स मिलती है। ठीक है, अब डिप्लॉयड सेल जो है बहुत ज्यादा नंबर में होगी तो क्या होगा, हर डिप्लॉयड सेल जो होगी वो एक तरह से एस्कस का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एस्कस मदर सेल की तरह एक्ट करती है हर डिप्लॉयड सेल। एस्कस मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन से क्या होगा, हर एस्कस के अंदर 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और वो जो 4 एस्कोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। क्यों, क्योंकि मियोसिस के बाद में जितनी भी सेल्स होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है। हैप्लॉयड स्पोर्स जो है वो रिलीज होंगे, इनसे भी क्या, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, बडिंग के थ्रू होता है। यानी हैप्लॉयड से जो बडिंग हो रही है, हैप्लॉयड सेल से जो बडिंग हो रही है वो कैसी सेल्स बनाएगी,
बनाएगी, हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी। लेकिन डिप्लॉइड सेल्स से जो बडिंग का प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह की सेल्स बनाएगी, डिप्लॉइड सेल्स बनाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर डिप्लॉइड फेज भी लंबी होती है और हैप्लॉइड फेज भी लंबी होती है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन शो करती है दोनों ही फेजेस। यदि हम इसको ऐसे बोले कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है, कि हैप्लॉइड फेज जो है वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट होती है, डिप्लॉइड फेज जो है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होती है, और दोनों ही फेजेस जो है वो बहुत लंबी होती है। इसीलिए इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है क्या कहलाता है, हैप्लो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहलाता है, ठीक है। किसके अंदर होता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी के अंदर होता है, ओके। यानी प्लाज्मोगेमी होने से लेके जब तक एस्कस मदर सेल बनती है तो ये फेज क्या कहलाती है हमारे पास में, डिप्लो फेज कहलाती है, ठीक है। डिप्लोफेज यानी एस्कस मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद में होने वाली जब तक सेल्स एज ए गैमेटेंजिया बनती है, जब तक एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स से जब तक गैमेटेंजिया बनती है तब तक वो किस तरह की फेज होगी, हैप्लॉइड फेज होगी। तो ये जो फेज होगी वो क्या कहलाती है, हैप्लो फेज कहलाती है, ठीक है। इसकी कहानी को, इसके कॉन्सेप्ट को मैं और सिंपल कर देती हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि कभी नहीं भूल सकते कि हैप्लो क्या होता है, डिप्लो क्या होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। इस लाइफ साइकिल की कहानी किससे शुरू हो रही है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी से शुरू हो रही है, ठीक है। क्या होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से क्या बनेगा, डिप्लॉयड सेल ही बनेगी। सैक्रोमाइसिस डिप्लॉयड सेल है, उससे क्या हो रही है, बडिंग के थ्रू और डिप्लॉयड सेल्स बन रही, ठीक है। अब जो डिप्लॉयड सेल है इसके अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। यानी डिप्लॉयड सेल्स में जब मियोसिस होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हैप्लॉयड सेल्स में। किस तरह से बनेगी, कि एस्कस बनते हैं विद एस्कोस्पोर, तो एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। चार एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एक एस्कस के अंदर चार एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स एस्कोस कैसे हो गई, वो हैप्लॉइड सेल्स है। अब हैप्लॉइड सेल्स किस तरह से मल्टीप्लाई करती है, बडिंग के थ्रू करती है, उनमें फिर से बडिंग होती है, ठीक है। बडिंग से क्या होगी, अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स मिलेगी, वो एक्ट करेगी गैमेटेंजिया की तरह। गैमेटेंजिया जो है वो कॉपुलेशन करती है, फ्यूज होती है। कॉपुलेशन के बाद क्या होता है, जब दोनों गैमेटेंजिया पास आएगी उनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, दोनों की साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होगी, फिर न्यूक्लियस की मिक्सिंग होगी, ठीक है। तो फ्यूजन होता है और फ्यूजन से फिर से डिप्लॉइड सेल बनेगी, ठीक है। तो यानी उनके प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद में जो सेल बनती है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिप्लॉयड सेल में। और ये फिर से ये जो लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, कि डिप्लॉयड से डिप्लॉयड और हैप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये फ्यूजन से लेके डिप्लॉयड सेल जो बनती है, इस फ्यूजन से लेके जब तक बडिंग होगी, और बडिंग के थ्रू कौन सी सेल्स बनेगी, डिप्लॉयड सेल की बडिंग से डिप्लॉयड सेल बनती है, तो ये फेज क्या कहलाएगी आपके पास, डिप्लो फेज, ठीक है। और हैप्लॉइड सेल से बडिंग के थ्रू जब मियोसिस होगा, मियोसिस से हैप्लॉइड सेल बनेगी, और हैप्लॉइड से जब बडिंग होगी तो किस तरह की सेल्स बनती है, हैप्लॉइड सेल्स बनती है। तो ये वाली फेज क्या कहलाती है, हैप्लो फेज कहलाती है। ठीक है, तो डिप्लॉयड फेज किसके अंदर कन्वर्ट होती है, हैप्लॉयड फेज में कन्वर्ट होती है। या फिर बोल सकते हैं हैप्लॉयड फेज जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, डिप्लॉयड फेज में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल होता है हमारे पास में, हैप्लो डिप्लो बायोटिक। समझ में आया होगा, तो तीन तरह के लाइफ साइकिल शो करते हैं ईस्ट की स्पीसीज। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग लाइफ साइकिल जो है वो शो करती है। फर्स्ट लाइफ साइकिल कौन सा होता है हमारे पास में, हैप्लोबायोटिक होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, डिप्लोबायोटिक होता है। थर्ड क्या होता है, हैप्लो डिप्लोबायोटिक होता है। ठीक है, ये थे हमारे पास में तीन टाइप के लाइफ साइकिल। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप तक सिंपलेस्ट वे में पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश करी है, फिर भी आपको कोई पॉइंट हो, कोई कंफ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो थैंक यू।